आज की इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे इस सिलसिले में हमने मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसफ़ बुक से एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू के क्वेश्चंस को उठाया है ठीक है और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेश जो कि हायर ऑर्डर की हैं ठीक है ऑर्डर जिनका ग्रेटर देन वन है टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो इन इक्वेशंस को हम सोल्यूशन किस तरह से हम इनका फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है तो ये हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है जिस यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ डी क्या है एफ ऑफ डी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है ए नॉट डी रेस टू पार एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी यहाँ पर डी बाई डी एक्स को डिनोट करता है और डी एन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये डी क्या है ये एंथ ऑर्डर है ठीक है यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है डी बाई डी एक्स का ऑर्डर क्या है एन है डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड सो ऑन अब तो ये हमारे पास क्या है माइनस वन डी प्लस ए एन ठीक है यानी कि यह, यहाँ पर जो हमारे पास एफ ऑफ डी है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का फंक्शन है इन टू वाई इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स और राइट right साइड पे हमारे पास जो भी फंक्शन है वो सिंपली एक्स का फंक्शन है ठीक है तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास क्या है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का अब होल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास हायर ऑर्डर डेरीवेटिव इन्वॉल्व हों तो इसमें हमारे पास इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं जनरल सोल्यूशन जो है वो दो पार्ट्स पे मुश्तम होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी फर्स्ट पार्ट इज़ वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई पी पर्टिकुलर इंटेग्रल ठीक है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटेग्रल है इनको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आता है इस इक्वेशन के होमोजीनियस पार्ट से ठीक है यानी कि हम जो एग्जलरी इक्वेशन या करेक्ट्रस्ट इक्वेशन होती है वहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हासिल करते हैं और वाई पी जो कि पर्टिकुलर इंटैग्रल है ये हम किस तरह से हासिल करते हैं इसका भी हमारे पास जो है वो मेथड है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ओफ डी देन हम जो है वो पर्टिकुलर इंटैग्रल फाइंड आउट करते हैं अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की मदद से हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो हाई ऑर्डर होमोजी नॉन होमोजीनियस इक्वेश होती हैं उनका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू है मैथमेटिकल मैथड बाई एस एम यूसुफ और क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास डी स्क्र प्लस थ्री डी माइनस फोर इंटू वाई इक्वल टू फिफ्टीन ई रेस टू पार एक्स ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एक्जलरी इक्वेशन लेंगे यहाँ से ठीक है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्लरी इक्वेशन उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे यानी कि वो पहले ही जीरो होती है तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वहां से हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ठीक है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ वन एज ठीक है ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ठीक है ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है ठीक है हायर ऑर्डर मतलब क्या है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन वन है हायर ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ से हमारे पास जो हमें जनरल सोलूशन फाइंड आउट करना है इसका ठीक है हम क्या चाहते हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जनरल सल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं ठीक है क्वेश्चन में आपको जैसे बताया गया हो कि सिर् सिर्फ सिर्फ आप इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करें तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपसे कहा गया हो कि पर्टिकुलर इंटेगल फाइंड आउट करें तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे अगर आपसे कहा गया हो कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है वाई सी प्लस वाई पी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल देन वो जनरल सोल्यूशन कहलाता है ठीक है तो अब हम पहले वाई सी फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ठीक है उसके लिए हम करैक्टिस्टिक इक्वेशन लेते हैं तो करेक्टिस्टिक इक्वेशन इसकी होगी डी स्क्र प्लस थ्री डी माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व आउट करें फॉर डी डी के लिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी की फैक्ट्राइजेशन करें इसकी डी स्क्र प्लस फोर डी माइनस डी माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से इसके हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे डी प्लस फोर इंटू डी माइनस वन इक्वल टू जीरो ठीक है ये हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो क्या आएगी डी की दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास माइनस फोर और दूसरी वैल्यू आएगी वन ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉ फंक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाइस सी ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब हमारे पास रूट्स जो हैं डी की वैल्यूज़ किस टाइप की होंगी तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं ठीक है थीके? अब हमारे पास जो रूट्स हैं इन पे डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से हम लिखा जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो रूट्स हैं ये आपके पास हैं डिस्टिंक्ट हैं ठीक है डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ठीक है रिपीटेड भी नहीं है इमेजनरी भी नहीं है और हमारे पास रूट्स क्या हैं डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं तो इस सिलसिले में इस केस में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं कॉन्सटेंट्स के साथ हम क्या करते हैं सिर्फ e में जो है वो ये e रेस टू पार में हम दोनों रूट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे यानी कि यहाँ पर c1 e ई रेस टू पार माइनस फोर एक्स प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट सी टू ई रेस टू पार एक्स ठीक है ये हमारे पास जो माइनस फोर और वन है ये एक्स के कोफ़िशेंट में चले जाते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कि हमारे पास क्या है पर्टिकुलर इंटेग्रल है ठीक है अब पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं ठीक है डिफरेंट केसेस किस तरह से कि जो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है ये टोटली totally डिपेंड करता है हमारे पास जो कैपिटल एफ ओफ एक्स है उसके ऊपर ठीक है एफ़ोफेक्स अगर हमारे पास इस टाइप का होगा ई रेस्टूपार एक्स या साइन ऑफ ए एक्स या कॉज ऑफ ए एक्स या ई रेस्टू पार एक्स इंटू एक्स का फंक्शन हो ठीक है सिंपली एफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है या इनका कंबिनेशन हो सकता है ठीक है यानी कि ये दोनों आ सकते हैं ये दोनों आ सकते हैं ई रेस्टोपार एक्स कॉज एक्स आ सकता है या ये हमने देख लिया तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है उसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं उसमें सिर्फ हमारे पास जो है वो ई e इन्वॉल्व हो साइनोफेक्स हो कॉज हो या ई ओफैक्स ई रेस्टोपार एक्स या इंटो एफ ओफेक्स यानी कि एक्स का कोई भी फंक्शन हो या आपके पास हो सकता है इ रेज टू पार ए एक्स साइन एक्स हो ई रेज टू पार एक्स कॉज एक्स हो तो इस तरह से ये हमारे पास केसेस होते हैं ठीक है थीके? तो अब हमने जो क्वेश्चन उठाया है इस वीडियो में हम सिर्फ टू टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है फिफ्टीन ई रेज टू पार एक्स है ठीक हो गया तो पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी इक्वल टू एफ ऑफ़ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है फिफ्टीन ई रेज टू पार्ट एक्स है फिफ्टीन ई रेज टू पार्ट एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी क्वेश्चन का जो ये पार्ट है जिसमें डी इन्वॉल्व है एफ ऑफ डी वो क्या है डी स्क्र प्लस थ्री डी माइनस फोर ठीक हो गया अब हमने क्या करना है इसको इवेल्यूएट करना है ठीक है इवेल्युएट क्यों करना है इसलिए कि हम, हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ठीक है जो ये हमारे पास वाई पी है पर्टिकुलर इंटेग्रल है यहाँ से हमारे पास जो डी है वो एलिमिनेट हो जाए ठीक है एक्चुअली हमने क्या करना है डी को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो इस तरह हम जो है वो वाई पी पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करते हैं ठीक है थीके? अब हमारे पास ये है पहले टाइप ठीक है ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल एफ ओफेक्स है उसमें सिर्फ ई टू टूपार एक्स है ठीक है तो इस टाइप में जब हमारे पास कैपिटल एफ ओफेक्स में ई टू टूपार एक्स हो देन हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर हमारे हम क्या करते हैं कि ई रेज टू पार एक्स एक्स का जो भी कोफिशियंट हो उसको हम डिनोमिनेटर में डी की जगह पे पुट करते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास है ई रेज टू पार एक्स एक्स का कोफिशेंट क्या है सिंपली वन है ठीक है तो जहाँ पर भी हमारे पास डी है डिनोमिनेटर में वहाँ पर हम डी की जगह पे क्या पुट करेंगे वन पुट करेंगे ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो ई रेज टू पार थ्री एक्स हो टू एक्स हो या कुछ भी तो हम x का जो कोफ़िशियंट है वो हम d की जगह पे पुट करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशियंट क्या है वन है फिफ्टीन ई रेस टू पार x डिवाइडेड बाई d की जगह पे हमने क्या पुट करना है वन पुट करना है ठीक है तो वन का स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू वन माइनस फोर ठीक है जब आप इसे सॉल्व करें तो देखें हमारे पास क्या आता है फिफ्टीन e रेज टू पार x डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री माइनस फोर ठीक है तो अगर आप गौर और करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा थ्री प्लस वन फोर माइनस फोर आंसर इज़ जीरो ठीक है one, four four, zero, तो जब आपके पास डिनोमिनेटर में आंसर जीरो आ जाए तो हम इसे फर्दर जो है वो सॉल्व आउट नहीं कर सकते ठीक है हम फर्दर इसे इवेल्यूएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो फंक्शन ये क्या हो गया है अनडिफाइंड हो गया ठीक है डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास जीरो आ चुका है तो अब हम क्या करते हैं इसे हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक फेलियर केस है ठीक है जब हमारे पास फेलियर केस आ जाए टू पार एक्स एफ ऑफ एक्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स का जो भी क्वेश्चन होता है वो डिनोमिनेटर में डी की जगह पे पुट करते हैं और पुट करने से अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए देन ये हमारे पास एक फेलियर केस है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप फिर हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम न्यूमिनेटर में एक एक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू है फंक्शन जो है वो डी का उसका हम डेरीवेटिव डेरीवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ठीक है तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या होगा कि हम न्यूमिनेटर में एक एक्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम डेरीवेटिव लेंगे ठीक है फिफ्टीन इंटू एक्स ई रेज टू पार एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप डेरिवेटिव ले इसका ठीक है इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डी तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा टू डी प्लस थ्री इंटू डी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और माइनस फोर का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो टू डी प्लस थ्री आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में डेरीवेटिव आ चुका है अब नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप अगेन आपने वो स्टेप रिपीट करना है कि एक्स का जो भी कोफिशेंट है वो डी की जगह पे फुट करना है ठीक है पुट करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा फिफ्टीन एक्स ई रेज टू पार एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू वन प्लस थ्री तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए फिफ्टीन एक्स ई रेज टू पार एक्स डिवाइडेड बाय फाइव सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा थ्री एक्स ई टू पार एक्स ठीक है तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से अब हमारे पास क्या है पर्टिकुलर इंटेग्रल से जो डी है वो इलिमिनेट हो चुका है ठीक है अब जो वाई पी है वो सिंपली हमारे पास क्या फंक्शन है एक्स का फंक्शन है ठीक है तो यही हमारा जो है वो मकसद होता है एंड पे कि रिजल्ट हमें क्या चाहिए होता है कि पर्टिकुलर इंटेग्रल में से जब हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी जब हम करते हैं ठीक है ये एक्चुअली हमारे पास होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ठीक है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें रिजल्ट जो है वो उसमें ये चाहिए कि हमारे पास फाइनली जो है वो फाइनलीमिनेट हो जाना चाहिए ठीक है जब डी इलिमिनेट हो जाए सिंपली आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन हो तो ये हमारा जो है वो वाईपी पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है ठीक है तो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ जनरल सोल्यूशन ऑफ़ गिवन इक्वेशन वन एज़ वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल तो जनरल सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू वाई सी आपके पास क्या है सी वन ई रेज टू पार माइनस फोर एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पार एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल आपके पास क्या है थ्री एक्स ई रेज टू पार एक्स ठीक है तो ये आपके पास जो है वो सोलूशन हो गया जनरल सोल्यूशन तो यानी कि इस टाइप में हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है जब हमारे पास कैपिटल एफ ओफ एक्स में सिर्फ ई रेज टू पार्ट एक्स आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ये देख लिया अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास इसमें सिंपली आपके पास क्या था कि फिफ्टीन ई रेज टू पार्ट एक्स था ठीक है एक ही टर्म थी अगर टर्म्स एक से ज़्यादा हों फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू पार्ट एक्स प्लस ई रेज टू पार्ट टू एक्स प्लस ई रेज टू पार्ट थ्री एक्स देन हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स हों देन हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास डी स्क्र माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पार एक्स प्लस ई रेज टू पार टू एक्स ठीक है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ठीक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर है तो सेकेंडली अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एफोफेक्स जो है लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने देखा सिंपली एफओफेक्स थी, में हमारे पास एक ही टर्म थी ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म्स हैं एक ई रेज टूपार एक्स है और दूसरी है ई रेज रूपार टू एक्स ठीक है दो टर्म्स भी हो सकती हैं दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं सॉल्व करने का जो मेथड है वो सबका सेम ही है ठीक है तो सबसे पहले हम अब हमें इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ठीक है क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और सेकेंडली पर्टिकुलर इंटेग्रल हम फाइंड करते हैं सबसे पहले वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसकी हम एक्सलरी इक्वेशन लेंगे ठीक है तो फ्रेक्टर इक्वेशन है यहां पे आपके पास क्या होगी डी स्क्र माइनस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो तो आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा डी स्क्र माइनस टू डी माइनस डी फैक्टराइज करेंगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे डी माइनस टू और d माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो d की आपके पास वैल्यूज़ क्या आएंगी टू और वन वाई सी के लिए आपके पास रूट्स को आप चेक करते हैं कि रूट किस टाइप के हैं ठीक है अब यहाँ भी आपके पास जो रूट्स हैं वो हैं डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं ठीक है डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इस केस में आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यानी कि वाई सी है वो किस तरह से बनता है उसमें सिर्फ आपके पास क्या होता है ई टू पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंट्स सिंपली इन्वॉल्व होते हैं सी वन ई रेज टू पार टू एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पार एक्स ठीक है कोई भी आप इन दोनों में से जो रूट है कोई भी जो भी चाहे वो पहले लिख सकते हैं ठीक है इट डजेंट मैटर नेक्स्ट अब आपके पास है पर्टिकुलर इंटेग्रल अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल की तरफ तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए वाई पी ये आपके पास किसके इक्वल होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी ठीक है यानी कि आपके पास जो वाई पी है ना बेसिकली इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एफ ओफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी ठीक है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आपके पास क्या है ई रेज टू पार एक्स प्लस ई रेज टू पार टू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्र माइनस थ्री डी प्लस टू ठीक है अब इसको सॉल्व करने का आपके पास जो मेथड है वो सेम है ठीक है जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर वन में सॉल्व किया अब यहाँ पे आप डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आप क्या क्या, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे ठीक है यानी कि आप इसे क्या करेंगे ई रेस टू पार एक्स ओवर डी स्क्र माइनस थ्री डी प्लस टू प्लस ई रेस्टो पर टू एक्स ओवर डी स्क्र माइनस थ्री डी प्लस टू यानी कि हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे ठीक है तो ई रेस्टोपर एक्स ओवर यहाँ पे कोफिशियंट एक्स का क्या है वन है और यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है टू है ठीक है तो वाई पी की तरफ सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि जो भी एक्स का कोफिशेंट है उसको आप पुट करते हैं डी की जगह पर ठीक है यहाँ पे एक्स का कोफिशंट वन है तो वन पुट करिए पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा वन माइनस थ्री प्लस टू ठीक है अगेन ये आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा ठीक है देखें जरा वन माइनस थ्री प्लस टू तो आंसर आपके पास आ जाएगा ज़ीरो यहाँ पे अगर आप टू पुट करते हैं तो फोर माइनस सिक्स प्लस टू ठीक है तो यहां पर भी आपके पास आंसर जो है वो जीरो आ रहा है ठीक है यानी कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास एक फेलियर केस बन रहा है ठीक है अगर आप जो है वो पुट करके अब चेक करके देख लें ठीक है अगर आपके पास जीरो ना हो तो आप जो है वो ये स्टेप कर सकते हैं अगर अगर आपके पास यहां पे जीरो ना तो आए तो यहां से डी जो है तो वो सिंपली इलिमिनेट हो जाएगा ठीक है फिर आपको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है ठीक है अब चूंकि यहाँ पर आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है कि यहाँ पर हम निनोमिनेटर में एक एक से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं डी का विद रिस्पेक्ट टू डी जो है वो हम डेरिवेटिव लेते हैं ठीक है ये स्टेप हम कब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आंसर ज़ीरो ना आए ठीक है अब चूंकि दोनों में ही जीरो आ रहा है तो ये स्टेप हमें दोनों पे रिपीट जो है वो करना पड़ेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक जो है वो टर्म वहाँ पे ज़ीरो ना आए और एक टर्म पे ज़ीरो आ जाए ठीक है तो जहाँ पे जीरो नहीं आएगा वो आप जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा वहाँ से तो डी लिमिनेट हो जाएगा और जहाँ पे आंसर आपके पास जीरो आ रहा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा नोमिनेटर में एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आप जो है वो डेरीवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो डी अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं दोनों टर्म्स में ही यहाँ हमारे पास जो है वो फेलियर केस बन रहा है ठीक है तो अगर यानी कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक टर्म में आपके पास आंसर जीरो आ जाए और एक में ज़ीरो ना आए तो जहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा उसमें हम जो है वो दूसरा स्टेप करेंगे और जहाँ पर ज़रू नहीं आएगा वहाँ से तो फिर डी जो है वो इलीमिनेट हो जाएगा ठीक है बेसिकली हम क्या चाहते हैं हम यहाँ से डी को इलीमिनेट करना चाहते हैं ठीक है तो ये डिफरेंट केसेज हैं आपके पास अगर एक्सपोनेंट है तो उस केस में डी को इलिमिनेट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है अगर आपके पास साइन ऑफ एक्स है कॉज ऑफ एक्स है या सिंपली एफ एफ ऑफ एक्स है यानी कि एक्सक्र है एंड सो ऑन तो उस केस में आपके पास जो डी को इलिमिनेट करने के जो मेथड है वो डिफरेंट होता है ठीक है तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर डेरीवेटिव लेंगे सेम जो है वो इस टर्म के साथ भी हम करेंगे ठीक है एक्स ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई टू डी माइनस थ्री प्लस एक्स ई रेज टू पार टू एक्स डिवाइडेड बाय टू डी माइनस थ्री ठीक हो गया नेक्स्ट अगेन हम क्या करते हैं दोबारा फिर हम ये स्टेप करते हैं कि आपके पास एक्स का जो भी कोफिशेंट है एक्सपोनेंट में ठीक है उसको हम डी की जगह पे पुट करते हैं एक्स ई रेज टू पार एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू वन माइनस थ्री प्लस एक्स ई रेज टू पार टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू यहाँ एक्स का कोफिशियन क्या है टू है टू इंटू टू माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा x ई रेस टू पार x डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू माइनस वन प्लस x ए रेस टू पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री वन ठीक हो गया तो यानी कि ये आपके पास क्या बन रहा है माइनस एक्स ई रेज टू पार एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पार टू एक्स ठीक है तो देखें वाईपी जो कि हम पर्टिकुलर इंटेग्रल को सॉल्व करें तो यहां से आपके पास जो है वो डिलिमिनेट हो चुका है तो ये आपके पास फाइनल वाईपी की वैल्यू आ गई है यानी कि पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू आ चुकी है ठीक है तो अब जो आपके पास जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा जनरल सोल्यूशन इज इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन ठीक है गिवन इक्वेशन आपके पास जो है उसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी वाईसी की आपके पास वैल्यू क्या है ये देखें जरा सी वन ई रेस टू पार टू एक्स सी टू ई रेस टू पार एक्स माइनस एक्स ई रेज टू पार एक्स प्लस एक्स ई रेस टू पार टू एक्स ठीक है ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है गिवन नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है